हो, हमारे पास देखो एक नहर है। इस नहर को हम एक सही पोजीशन देंगे और इसमें देखेंगे क्या हुआ। बारिश हुई है इसलिए मिट्टी काफी ज्यादा गीली है। चलो हम इसकी मिट्टी को फिलहाल बाहर निकालते हैं। वाह, बहुत अच्छे, हम इधर स्टोर करते हैं मिट्टी को। ये बहुत ही सॉलिड तरीके से हम मिट्टी काट रहे हैं। वाह, बहुत ही अच्छे। चलो, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। चलो अच्छे से मिट्टी को हम स्टोर करेंगे साइड में। और ये हमारे पास बॉल है और ये तीन सूस है जो कि कोई भूल चुका है और इनको समझ में नहीं आता। चलो इनको हम साइड में रख देते हैं फिलहाल। और जिस बॉल को हम किसी बैट की मदद से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हो, चलो ये बॉल तो बहुत ये भाई हमने मार दिया है उसको और ये चला गया है बॉल। चलो ठीक है, बॉल तो चला गया है। अभी हम इसके अंदर ट्रैक्टर को चला के देखना पसंद करेंगे। चलो बहुत ही अच्छे, वाह, ये ट्रैक्टर वर्क कर रहा है इसके अंदर। और हम इसके अंदर कई सारी गाड़ियां स्टोर करने वाले हैं, जैसे कि पार्किंग में खड़ी करते हैं। चलो ये इधर खड़ी हो गई, हमें दूसरी गाड़ी चाहिए। हो, हमारे पास गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास इधर कितनी ज़्यादा जगह है कितनी नहीं। चलो ये दो गाड़ियाँ हमने खड़ी कर दिया। हो, हमारे पास एक है बड़ी। हो भाई, ये है, लेकिन जिसका प्रॉब्लम क्या है, ये इधर सही से आ नहीं पा रही है, इसलिए ये बड़ी जीप होने के कारण ये उधर नहीं आ पा रही, इसलिए हम दूसरी गाड़ी रखेंगे उधर। और इसका प्रॉब्लम ये है, देखो ये कितनी सारी गंदी हो चुकी हैं। ओ चलो, हम इधर दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट करते हैं। तो हमारे पास है एक जेसीबी जिसको हम उधर खड़ा करने का सोच सकते हैं। चलो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो जेसीबी आ चुकी है, लेकिन ये नहीं आ पा रही, इसलिए हमें इसको ऊपर उठा देना होगा। चलो ऐसे उठा दिए और ये, हाँ चलो ये अच्छे से सेट हो चुकी है। और ये नहीं आई तो इसको हम साइड में कर देंगे। हाँ, इस नहर में तीन गाड़ियाँ खूबसूरती से खड़ी हो चुकी हैं। और चलो ठीक है, अभी हम इनको एक बोली लगाएंगे। चलो चलो, एक छोटी सी डॉल आई है जो कि इसको देखने रही है गाड़ियों को। बहुत ही खूबसूरत है ये, हमें ये दिखने में अच्छा लग रहा है कि ये डॉल इसको देखने आई। ओ हो, एक डॉल और आ रही है। चलो हम इन तीनों डॉलों को, एक डॉल और है। हो भाई, हम इन तीनों डॉलों को एक सामने स्टोर कर दिए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत। और फर्स्ट डॉल को जो पसंद आई है गाड़ी, वो ट्रैक्टर है, और सेकेंड डॉल को ये यानी कि छोटी जीप, और चौथी डॉल, तीसरी डॉल जो है उसको पसंद आई है ये जेसीबी। वाह, हमें तो पसंद, अगर हमारी पसंद की बात की जाए तो हमें इनमें से सबसे ज़्यादा पसंद है वंडरफुल ये जेसीबी। वाह, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है जेसीबी है। चलो हमारे पास और क्या है। चलो चलो, वाह, हमारे पास एक बटरफ्लाई है, ये बहुत ही खूबसूरत चलती है। चलो इस बटरफ्लाई को हम, ओ भाई, इस बटरफ्लाई को हम इसके ऊपर से निकालने की कोशिश करेंगे। चलो ये टैंक को ऊपर उठा लो जरा। हाँ, ये ठीक है, ये इसको उठा लिया है। चलो अभी इसके ऊपर से बटरफ्लाई निकलने की कोशिश करेगी। चलो चलो, आराम से निकल जाने का। लेकिन ये क्या, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ये यानी गिर गया है तो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम किसी तरह से, वाह, ये बटरफ्लाई निकल के जा चुकी है। चलो अच्छी चीज़ है। चलो एक चीज़ और, एक डॉगी है मेरे पास, डॉग को भी इसके ऊपर से निकालने की कोशिश करेंगे। ओह भाई, ये डॉगी, हो डॉगी तो इसमें फंस चुका है और डॉगी का पेट फंस चुका है। हाँ, डॉगी का पेट फंस चुका है, तो अभी हम क्या करें। चलो डॉगी को हम जेसीबी की मदद, ये डॉगी गिर गया है। ओ तेरी तो, चलो कोई बात नहीं डॉगी, तुम फंसे हो तो फंसे रहो, अभी हम तुमको जेसीबी की मदद से निकालने का प्रयत्न करेंगे। चलो ये जेसीबी आ गई है, पीछे से हम निकाल के लाए हैं। चलो बहुत ही अच्छे, चलो जेसीबी पीछे से उठा दो इसको। हाँ, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। ओ भाई, जेसीबी ने लगाया जोर, ओ तेरी तो जोर से डॉगी को पलट दिया। चलो जेसीबी फिर से आके अपने पोजीशन पर खड़ी हो जाओ। वाह, जेसीबी फिर से अपने पोजीशन पर खड़ी हो गई है। चलो अभी एक सुपर बाइक को, इसको बाइक चलाने का बहुत घमंड है, इसलिए देखो अपनी बाइक को कितनी गंदी कर दिया है, यानी कि उल्टा सीधा कहीं भी चला करके। इसने चैलेंज किया कि हम निकालेंगे इसके ऊपर से गाड़ी, तो हम इसकी चैलेंज एक्सेप्ट किए
और ये चैलेंज जाएगा। चलो ठीक है, चलो भाई निकालो, भूम जाओ, चलो भाई टूटना नहीं चाहिए, आराम से निकालो, बहुत ही खूबसूरत। चलो ठीक है, वाह इसने निकाल दिया है, बहुत ही अच्छे। चलो चलो ठीक है, और हम देखेंगे। हो हमारे पास एक पैरेट है जो कि देखो ये इसने दावा किया है कि हम इस ट्रैक्टर के ऊपर से निकालेंगे। ट्रैक्टर के ऊपर से निकालने के लिए हमें डॉगी को साइड में करना होगा। चलो डॉगी भौंकने का नहीं, और पैरेट आए तो इसका शिकार मत कर लेना, ये बहुत गलत हो जाएगा। चलो चलो, हो हेलीकॉप्टर भी है, चलो हेलीकॉप्टर का भी हम चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, पहले पैरेट का। चलो पैरेट पैदल, हो तुम नहीं उड़ान कर पा रहे हो, चलो थोड़ा सा ऊपर आ गए हो, वाह वंडरफुल, बहुत ही अच्छे। ओ नो तुम तो गिर गए हो, लेकिन चलो हम तुम्हारी मदद कर देते, वाह हो भाई, वाह 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 वाह। ओ भाई डॉगी, मैंने तुमको बोला था उसको काटने का नहीं, ओ भाई चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ओ भाई मैंने बचा लिया है डॉगी को भगा के, चलो नहीं तो पैरेट को नोच देता। वाह हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है, इसको जमीन पर चल करके इसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करके और इसको काफी बेहतर तरीके से पार करना होगा, यानी कि इसका चैलेंज थोड़ा अजीब होगा क्योंकि इसको किसी गाड़ी के ऊपर से नहीं बल्कि जीसीबी के ऊपर से पार करना होगा हेलीकॉप्टर को। चलो चलो वाह, चलो उड़ो उड़ो, तुम्हें उड़ने का थोड़ा सहारा लेना ही होगा। चलो तुम इधर बैठ गए हो जेसीबी के ऊपर, ये सही बात नहीं है क्योंकि तुम जेसीबी के ऊपर, तुम्हें बैठना नहीं है क्योंकि तुम्हें जेसीबी के ऊपर से उड़ कर के बाहर जाना है। चलो ठीक है, वाह चलो जेसीबी से उड़ ऊपर से उड़कर निकल आया है। चलो ठीक है, हमारे पास एक अभी है टाइगर, जिसे हम बोलते हैं लाइन जंगल का राजा। वाह जंगल का राजा, हो भाई इसको कोई मारा है जोर से, इसलिए इसकी थोड़ी गर्दन इधर से टेढ़ी हो चुकी है, लेकिन हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे, और सही करने की कोशिश में हम कामयाब भी होना चाहिए, हमें कोशिश ही नहीं चाहिए, हमें कामयाबी चाहिए। चलो ठीक है, चलो काफी हद तक सही हुआ है, चलो ठीक है अभी चलो। वाह ये इसकी गर्राहट यानी बहुत ही तेज। चलो टाइगर, वाह टाइगर तो ट्रैक्टर के ऊपर बैठा चुका है, बहुत ही अच्छे, ये हमें काफी खूबसूरत लगा, और ये टाइगर काफी खूबसूरती से बैठा हुआ है, हमारी तरफ देखो जरा। चलो टाइगर हमारी तरफ दिख रहा है और थोड़ा थोड़ा हमें डर भी लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी टाइगर तुम बाहर नीचे यानी कि उतर जाओ, बहुत ही अच्छे, टाइगर खूबसूरती से नीचे उतर के चला गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।